राजस्थान के बारा छिपाबड़ौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के ग्राम हरनाबदा जागीर में सनातन धर्म जनजागृति संस्था एवं राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से कृष्णा कॉलोनी में स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जनजागृति संस्था के प्रदेश अध्यक्ष विनोद वैष्णव व कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष नंदलाल केसरी ने बताया कि स्वामी विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष मुरारी लाल नागर, बारा नागरिक सहकारी बैंक के डायरेक्टर पीयूष जैन, किशनदास महाराज सहित अन्य उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि सिंधवी ने विवेकानंद की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला और बताया कि सनातन धर्म को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में स्वामी विवेकानंद का विशेष योगदान रहा है। विवेकानंद युवाओं के आदर्श पुरुष हैं, सभी को उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प करवाया गया। अतिथियों का स्वागत सनातन धर्म संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव नारायण नामदेव, प्रदेश कोषाध्यक्ष बलराम गुर्जर, प्रदेश सचिव मुकेश दौड़िया, प्रदेश सदस्य देवेंद्र गुर्जर, पवन वैष्णव मीडिया प्रभारी, कुलदीप सिंह, जगदीश शर्मा, योगाचार्य पुष्कर राज, सालवी काशीलाल नागर सहित द्वारा किया गया। जयंती समारोह का संचालन कर्मचारी महासंघ जिलाध्यक्ष नंदलाल केसरी द्वारा किया गया। सभी का आभार प्रदेश अध्यक्ष विनोद वैष्णव द्वारा व्यक्त किया गया। का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। इनके पिताजी अच्छे धनाढ्य थे, हाई फोटू प्रैक्टिस करते थे। इनकी माताजी भुवनेश्वरी देवी को इनके पैदा होने के 2 महीने पहले इस प्रकार का सपना आया कि तेरा बेटा आखिर में इनका नरेंद्र नाथ जी का जन्म हुआ और उसके बाद इनका जो आचार विचार लक्षण थे उनको देखकर बाद में स्वामी विवेकानंद बने। इसके पहले इनके पिताजी के जो कोर्ट के ऑफिस था घर का, चूँकि वो हाईकोर्ट के वकील थे तो उस टाइम पे छुआछूत देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।